हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी शिक्षण, पेडागोजी ऑफ हिंदी। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जो हिंदी का शिक्षक है, अध्यापक है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, क्यों उसकी आवश्यकता होती है, उसकी क्या क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनसे हिंदी शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, उसका महत्व क्या होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं। हालांकि मैंने टीचर के बारे में आपको पहले ही बताया था काफ़ी कुछ, शायद SST के उसमें आपको भेजा है मैंने वीडियो बना के टीचर के बारे में बहुत कुछ नहीं। उसमें जो कंपलसरी पेपर है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, उसमें भेजा है। तो ये टीचर, प्रिंसिपल, ये इनका मुख्य रोल होता है, सभी जानते हैं। और ये सभी जानते हैं कि अध्यापक जो है भविष्य का निर्माता होता है, एक अच्छे समाज का निर्माता होता है। अगर टीचर ही सही नहीं होगा, एक अच्छे गुण नहीं होंगे शिक्षक के अंदर, तो उसके द्वारा जो निर्माण किया गया है समाज का, वो ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर सपोज डेट हम मानते हैं, ये तो सभी जानते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो एजुकेशन प्रोसेस है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं विद्यालय, संस्थान, कॉलेज, बिल्डिंग, सारी मटेरियल, बहुत सारा जो भौतिक सुविधाएं होती हैं, आप कह सकते हैं मानवीय है, भौतिक जो सुविधाएं होती हैं वो है ना, चाहे आप अच्छा एक अच्छा बिल्डिंग बनवा लें, अच्छा विद्यालय के विद्यालय भवन का निर्माण करवा लें। मान लो कहीं अगर विद्यालय भवन का निर्माण होता है, बिल्डिंग अच्छी होती है, AC लगाओ, सब कुछ पूरी व्यवस्था हो, कह सकते हैं आप सामान्यता की सुविधाएं परिपूर्ण हो, उन सुविधाओं से परिपूर्ण हो वो संस्थान, अगर वहाँ का शिक्षक सही नहीं है, टीचर व्यवहारिक नहीं है, टीचर में कोई गुण नहीं है, तो एक अच्छा गुण नहीं है, वो विषय विशेषज्ञ नहीं है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो ठीक नहीं है, व्यवहार उसका छात्रों के प्रति अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ गलत है, तो वो एक अच्छी बिल्डिंग का होना, एक अच्छा भवन का होना, विद्यालय जो शिक्षा जो प्रोसेस है, शिक्षा जो प्रक्रिया है, वो सफल नहीं हो सकती, सभी जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो अध्यापक का जो पद है, शिक्षक का जो पद होता है, टीचर का जो पद होता है, वो एक गरिमामय होता है, सम्मानजनक होता है। आप देखते हैं कभी मार्केट में जाते हैं, कहीं मिलते हैं, अगर आप एज ए टीचर हैं और एक टीचर जब मार्केट में जाता है तो लोग उसको नमस्कार करते हैं, सबसे ज़्यादा सम्मान जो दिया जाता है वो शिक्षक को दिया जाता है। अगर शिक्षक का गुण ही चरित्रहीन है वो, तो क्या होगा, तो क्या उसको लोग नमस्कार करेंगे, उसको सम्मान देंगे, नहीं देंगे, और वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को भंग कर देगा। और शिक्षा जो शिक्षा के जो पूर्व द्वारा निर्धारित जो शिक्षण उद्देश्य हैं उन वो पूर्ण नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, चाहे वो कितने भी श्रेष्ठ और कितने महान क्यों ना हों, आपने उद्देश्य बनाए हैं शिक्षण के, शिक्षा के जो एजुकेशन के जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर कितने ही अच्छे बनाए, पाठ्यक्रम जो करिकुलम हो वो कितना भी उपयोगी हो, कितना भी अच्छा हो, कितना ही डेमोक्रेटिव हो, लोकतांत्रिक हो, चाहे सॉफ्ट हो, लचीला जिसे कहते लचीला हो, या फिर क्यों कितना ही व्यापक क्यों ना हो, लेकिन जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, शिक्षण विधियाँ होती हैं, वो भी कितनी ही मनोवैज्ञानिक क्यों हो, साइकोलॉजिकल क्यों ना हो, और वो स्टूडेंट्स के लिए कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, है ना, शिक्षण जो सामग्री, जो मटेरियल है, नॉलेज है, वो भी अगर कितना ही प्रभावशाली हो, डिसिप्लिन कितना ही अच्छा हो, ये सारी चीज़ें भी अगर हों, विद्यालय भवन कह सकते हैं आप, विद्यालय जो भवन है, बिल्डिंग है, उनका निर्माण कितना ही भव्य क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, और जो भौतिक सुविधाएं हैं वो कितनी ही क्यों कितनी भी अधिक हों, यदि अध्यापक प्रभावशाली नहीं है, अपने विषय का वो विशेषज्ञ नहीं है, छात्रों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसे अपने कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो एटीट्यूड है, वो व्यापक नहीं है, और शिक्षण की प्रक्रिया तो क्या है, ऐसी स्थिति में जो शिक्षण की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, वो सफल नहीं हो सकती,
अध्यापक के विषय में टैगोर ने भी कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि एक अध्यापक तब तक वास्तविक अर्थों में शिक्षा नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीखता रहे। ऐसा नहीं है कि टीचर बन गए, आप अगर टीचर बन गए, सही है, आपने उठाई किताब, गए क्लास में, लेक्चर दिया बच्चों को, चार बातें सुनाई, इधर की दो उधर की सुनाई, ये करा लेक्चर, कॉपी से कॉपीराइट करा दिया बुक से, है ना, सिर्फ वही, तो वो अच्छा शिक्षक नहीं है। शिक्षक वही है जो खुद भी सीखता है, बच्चों को भी सिखाता है, कुछ खुद भी नए नए नॉलेज, नए नए ज्ञान अर्जित करता है और छात्रों को भी उस ज्ञान से अवगत कराता है, वो ट्रांसफ़र करता है उस लर्निंग को, ट्रांसफ़र करता है उस नॉलेज को, ट्रांसफ़र करता है, तो वो एक अच्छा शिक्षा, एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा अध्यापक है। तो यहाँ पर क्या है, टीचर हमेशा, टीचर को क्या है कि हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपडेट, कहते नहीं है आपका जो मोबाइल बॉक्स है अगर इसको अपडेट नहीं करेंगे तो हैंग करने लगता है, है ना, हैंग जल्दी ख़राब हो जाता है, नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, तो अपडेट होना इसका ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार एक टीचर का भी अपडेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान के लिए, नए ज्ञान से अपडेट होना, नई नॉलेज से, सही है, विषय से संबंधित, अन्य और सुविधाओं से संबंधित, अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे संबंधित, उसको अपडेट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, और नए नए रिसर्च करते रहना चाहिए उसको, ताकि उसको भी नॉलेज आए और बच्चों को भी वो नॉलेज दे सके, ज्ञान दे सके। जो कहते हैं हम, जो दीपक अपनी लौ को प्रज्वलित नहीं कर सकता, जो एक जो दीपक है, एक एग्जाम्पल है, वो अपनी लौ को, उसकी रोशनी है उसको प्रज्वलित नहीं कर सकता, वह दूसरे दीपक को प्रकाशित कैसे कर सकता है। अगर आप दीपक को जलाते हैं और उसकी जो लौ, कैसे, क्या कहते हैं उसको, बत्ती या रुई की जो हम लगाते हैं, और अगर वो नहीं जल रही तो क्या वो रोशनी करेगी दूसरे को, वहाँ रोशनी होगी, प्रकाश फैलेगा, नहीं फैलेगा। ठीक उसी प्रकार टीचर को भी जलना पड़ता है, दीपक की तरह, दीपक की बात ही जलना पड़ता है। तो यहाँ पर यदि अध्यापक जो है अपने व्यवसाय में प्रेम नहीं करता, ये एक तरीके से व्यवसाय है, उसमें अगर वो प्रेम नहीं करता, मन से कार्य नहीं करता, तो वो अपने और अपने विषय में रुचि नहीं लेता, इंटरेस्ट नहीं लेता, शिक्षण जो विधि है उसको समझने का प्रयास नहीं करता, और वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों का उसको ध्यान रखना होता है। जिस अध्यापक ने अपने कार्य के प्रति लगन नहीं है, अगर लगन है, वह रुकावटों और विरोधी स्थितियों में भी अगर चमक उठेगा, एक अच्छे से, जिस तरीके से कमल का फूल खिलता है गंदगी में, तो वहाँ उस तरीके से टीचर भी कह सकते हैं, वो अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकता है, वो गंदगी भी अच्छी लगती है जहाँ जब कमल का फूल खिलता है, देखते हो आप, तो वही है। टीचर का जो पद है बहुत सम्मानजनक है, गरिमा में ही है जिसको बोल सकते हैं, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल कार्य है, और देखा जाए तो इंसान के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। हालांकि टीचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में भी बताता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो टीचर के, टीचर वाला एटीट्यूड लाना चाहिए, टीचर वाला व्यवहार, टीचर को एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चों के साथ मिलजुल जाए, मतलब इतना भी नहीं मिले, एक डिस्टेंस भी स्टूडेंट और टीचर के बीच में होनी चाहिए, बट एक तरीके से फ्रैंक होकर के बच्चों को पढ़ाए, जो भी, ऐसे नहीं है बच्चे वहाँ पर बोल नहीं पाए, ऐसे नहीं है, ऐसे एटीट्यूड दिखाया जाए बच्चों के सामने कि बच्चा अपनी अच्छी बात भी, अच्छा क्वेश्चन है वो भी पुटअप नहीं कर पा रहा है, पूछ नहीं पा रहा है टीचर से, तो टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर का रहन सहन, टीचर का पहनावा, आप देखते हो, देखा जाए तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो शोषण हो रहा है वो टीचर का ही हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो शोषण हो रहा है वो टीचर का हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो टीचर है। बस क्या, एक सम्मान है टीचर के लिए। अभी कोरोना काल में अगर हम बात करें तो कोरोना काल में ये वैसी महामारी है, इसमें डॉक्टर्स का सबने नाम लिया, डॉक्टर्स, हालांकि हाँ वो मेहनत कर रहे हैं, वो परेशान है, वो केयर कर रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस, टीचर को किसी ने कहा, किसी ने सोचा कि टीचर के बारे में नहीं, कहीं भी कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता, जबकि टीचर पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो, नेगेटिव सोचें तो कोई बात ही नहीं है, बहुत से टीचर फॉर्मेलिटी हो रही है, सब ऐसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं टीचर जो है घर बैठ के स्कूल में घर बना रखा है, व्यवस्था नहीं है तो दीवार पे लिख के पढ़ा रहा है, वीडियो बना रहा है, तो ये टीचर ये अच्छे गुण है टीचर के। अगर माध्यमिक विद्यालयों में जो समस्त विषय हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनकी शिक्षा का जो आधार मातृभाषा ही होती है,
और अगर हम हिंदी शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में हिंदी के जो अध्यापक हैं उसका स्थान विशेष महत्वपूर्ण होता है। आप देखते हो हिंदी हमारा जो देश है वो विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं यूज की जाती हैं, लेकिन हिंदी एक नॉर्मल ऐसी भाषा है जो हर जगह लगभग यूज की जाती है। और हिंदी मीडियम में जो है बच्चों को कहते नहीं व्याकरण, अगर बच्चे किसी की भी बोलने की जो बोलता है व्यक्ति वही लिखता है, मैक्सिमम ऐसा होता है 80-90% कि आप जो शब्द यूज करते हो बोलते हो और जब रिटन फॉर्म में बात आती है तो लगभग वही लिखते हैं, तो वो मिस्टेक होती है। तो हिंदी का जो टीचर है उसका जो स्थान है वो विशेष माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। और जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक भारत में आदर्श नागरिकों का जो निर्माण है वो शिक्षा का प्रमुख कार्य है। आदर्श नागरिकों में मौखिक एवं लिखित भाव प्रकाशन क्षमता का होना अति आवश्यक है, मौखिक भी होना चाहिए और लिखित भी। और आज के जो भारत में हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हो चुका है। अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्सों के आधार पर इसी क्रम में इसके गुण, टीचर के हिंदी अध्यापक के गुण विशेषताएं, कुछ पॉइंट्स उनके आधार पर हम बात करते हैं। पहला है जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व, इसके बारे में मैंने कई बार बता चुका हूँ, अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि सबसे पहला जो है उसका व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, जो व्यवहार है टीचर का वो ये प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो, इम्प्रेस हो, बच्चे उस बात करते ही खुश हो जाएं, मोटिवेशन मिले बच्चे को, बच्चा जो है बात करने के लिए मतलब उसका मन हो कि मैं इनसे बात करूं। ठीक है, बात भी ऐसी बात नहीं कि पर्सनल आप उसकी लाइफ के बारे में बता रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, इतना ज़रा फ्रैंक करो, ये भी गलत है। तो वहाँ पर ज्ञान से संबंधित, किसी परेशानी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, कोई भी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही है वो आपसे आकर के, अगर आपका व्यवहार कुशल व्यक्तित्व है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो बच्चा आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है इसका मीनिंग ऐसे व्यक्तित्व से है जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से समायोजित होता है, और प्रभावशाली व्यक्तित्व का विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः जो भाषा अध्यापक को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, हिंदी टीचर का जो हिंदी टीचर है उसको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की स्वच्छता का सदैव ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो टीचर हिंदी का हो, चाहे वो टीचर सामाजिक विषय का हो, चाहे वो टीचर साइंस का हो, स्वच्छ रहना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है, उसका चलने का तरीका, बात करने का तरीका सब अच्छा हो, प्रभावशाली हो, और उसे अपने संवेगों पर भी, अपने भावों पर, भावात्मक इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, और समाज के जो प्रति उसे समर्पित होना चाहिए, सोसाइटी के प्रति समर्पित होना चाहिए, कहते नहीं देशभक्त, तो वो यहाँ पर समाजभक्त होना चाहिए। अगर हम हिंदी शिक्षक की बात करें तो जो हिंदी टीचर है उसको सादगी और उच्च विचार पर सदा ध्यान देते हुए उचित वेशभूषा में रहना चाहिए, एक सिंपल साधारण अच्छा, ऐसे नहीं उल्टी सीधे कपड़े पहने आया टीचर बन गए। आजकल आप देख रहे हैं मॉडर्न स्कूलों में, इसके इंग्लिश मीडियम में उनसे स्पेशली सिखा देखते हो, मतलब पहनावा टीचर्स का भी जीन्स और ये सब पहन के जा रहा है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है आकर्षक वार्तालाप, तो आकर्षक वार्तालाप के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि अध्यापक को मृदुभाषी होना चाहिए, समझ रहे हो, सॉफ्ट, और सदैव शांत और स्थिर चित्त रहकर छात्रों, उनके अभिभावकों और उनके शुभचिंतकों और इस प्रकार वार्तालाप करना चाहिए, उनसे इस तरीके से बात करनी चाहिए ताकि वो आपके वार्तालाप से प्रभावित हों। नेक्स्ट है आदर्श चरित्र, तो हिंदी टीचर आप देखते हो हिंदी टीचर में का हिंदी सब्जेक्ट में बहुत सारी कविताएं होती हैं, भावों से युक्त उपन्यास होते हैं, भावों से युक्त कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं विभिन्न प्रकार की, तो वहाँ पर यहाँ पर ये टीचर को पढ़ाना होता है, तो वो टीचर का जो चरित्र है वो विशेष, उसके व्यक्तित्व का एक विशेष अंग माना गया है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो। हालांकि हम हिंदी टीचर की बात कर रहे हैं तो हिंदी टीचर के व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का एक विशेष पार्ट माना गया है, करैक्टर को, चरित्र को, तो सबसे मुख्य माना जाता है कि अध्यापक
चरित्रवान होना चाहिए। चरित्र बल सभी के लिए आवश्यक है किंतु अध्यापक के लिए तो ये अनिवार्य ही कहा जाता है कि कंपलसरी कहते नहीं है। एक तो एक कार्य हो गया कि ये ऐसा होना चाहिए और एक होता है कंपलसरी, तो कंपलसरी मतलब अनिवार्य। तो यहाँ पर एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करना चाहिए अध्यापक को, ठीक है। और इसमें जैसे सदाचार है, कर्तव्य प्रणायता है, सत्य प्रियता, न्याय, पथ नमन और समदर्शिता, प्रेम, सहानुभूति, सहायता प्रवृत्ति, दृढ़ता, उत्साह एवं आत्मबल आदि सभी जो मनोवोचित सद्गुणों का समावेश हो जाता है तो वो टीचर एक आदर्श चरित्र अध्यापक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवता में आस्था। तो जो हिंदी का जो टीचर है उसकी मानवता के प्रति विशेष आस्था होनी चाहिए। वह अगर देखा जाए तो वह प्राचीन संस्कृति के प्रति अनुराग और श्रद्धा की भावना रखता हो और नवीन सुधारों के लिए भी उसे विशाल हृदय में स्थान हो, उसको मानवता के प्रति आस्था रखनी चाहिए। तभी वह छात्रों में तदनुकूल भावनाएँ उत्पन्न कर सकेगा और इस संघर्ष प्रधान युग में मानवता बिलख रही है, कह सकते हैं आप सारा संसार त्रस्त है और शांति का मार्ग खोज रहा है, हमारा भारत भी इससे बाहर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक अध्यापक को इसमें अपना योगदान देना चाहिए, किंतु हिंदी अध्यापक को साहित्यिक रचनाओं के अध्ययन या अध्यापन में ऐसे अनेक अवसर मिलते रहते हैं। वह जब छात्रों में मानवता के प्रति आस्था उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है निष्पक्षता आप मतलब समझते होगे, पार्शियलिटी मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो भाषा शिक्षण टीचर का भाषा शिक्षक का जो व्यवहार है वह पूर्णतः निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक विद्यार्थी के प्रति अच्छा है, एक विद्यार्थी अगर सुबह शाम प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, आपको ज़्यादा कुछ ला के खिला दे रहा है, आपकी चापलूसी आज की वर्तमान भाषा में कह सकते हैं चापलूसी करना, तो आपकी अगर टीचर की चापलूसी कर रहा है तो ऐसा नहीं है। बाकी जो बच्चा टाइम नहीं दे पा रहा है, वो आपको नहीं खिला पा रहा है, नमस्कार नहीं कर पाया, तो उसके प्रति भी आपका दायित्व उतना ही होना चाहिए जितना उसके प्रति है। तो एक टीचर के लिए स्टूडेंट सभी समान होने चाहिए, निष्पक्ष भाव से उसे कार्य करना चाहिए। तो भाषा शिक्षक का जो व्यवहार है वो पूर्णतः निष्पक्ष होना चाहिए, उसे अपने विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि उसमें निष्पक्षता का अभाव है और वह पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है तो वह विद्यार्थियों में इस गुण को विकसित करने में असमर्थ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप। तो ये जो टीचर है भाषा शिक्षक का, जो भाषा का जो शिक्षक है वो एक विशेष गुण उसमें नेतृत्व क्षमता का भी होना चाहिए। लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, अगर वो लीडरशिप खुद नहीं आएगी उसके अंतर्गत तो बच्चों को भी नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। तो अगर कह सकते हैं कि भाषा शिक्षक का एक विशेष गुण उसमें नेतृत्व क्षमता का होना है, विद्यार्थियों की शक्ति को दिशाविहीन होने से रोकने के लिए, वांछित क्षेत्रों में उसकी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करने के लिए सबल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षक भाषा के विभिन्न विधाओं को के शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस उनको बढ़ा सकता है उनका, और उनकी जो शक्तियां हैं उनको सृजनात्मक दिशा प्रदान कर सकता है, यानी जो कैसे कह सकते हैं आप क्रिएटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रबंध पाटुता, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। तो एक टीचर में मनुष्यों को परखने की शक्ति, नेतृत्व शक्ति, अनुशासन स्थापन की योग्यता और सनह सुधार की बात, मतलब बार बार सुधार करने की बात, सहयोग और समझौते की प्रकृति, समझौते हो क्या कहते हैं आप कह सकते हैं कंप्रोमाइज़, ठीक है, कि प्रकृति, निर्णय शक्ति, ऐसा नहीं छोटी छोटी बात पे भड़क गए, तो कुछ बातों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर के अंदर होनी चाहिए। सोसाइटी में एक टीचर जब जाता है, समाज में जाता है, तो हर तरीके का व्यक्ति मिलता है, तो वो ऐसा नहीं हर व्यक्ति झगड़ा कर जाएगा। आप देखते हो शिक्षक बहुत कम झगड़ा करते हैं, लेकिन वर्तमान समय अगर हम बात करें तो वो वाले शिक्षक नहीं रहे, ठीक है। तो
नेक्स्ट बहुत सारे पॉइंट हैं इस तरीके, विषय ज्ञान की अगर हम बात करें तो संबंधित विषय का जो शिक्षक है, अगर भाषा के विषय का सब्जेक्ट टीचर है हिंदी का, तो उसे हिंदी से संबंधित पूर्णता लगभग सभी जानकारी होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए उसको, अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए और उसको संतोष, उस पर अगर पूर्ण अधिकार का मतलब उसको पूरी नॉलेज होगी विषय के बारे में, तो संतोषजनक वो अपना ज्ञान दूसरे बच्चों को या दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सकता है, आसानी से दे सकता है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का ज्ञान भी उसको होना चाहिए, हिंदी भाषा, हिंदी शिक्षक को शिक्षा शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। ये पॉइंट है शिक्षा शास्त्र का ज्ञान। तो इसके अंतर्गत शिक्षा और उसका क्षेत्र, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण में सानुबंध, शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षालय व्यवस्था का ज्ञान, ये सारा हिंदी अध्यापक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसंधान के प्रति प्रेम। जैसे मैं आपका कहता रहता हूँ ना, अनुसंधान शोध रिसर्च, तो हिंदी टीचर क्या, ये प्रत्येक टीचर का कर्तव्य होता है और ये गुण होना चाहिए टीचर के अंदर कि उसे तरह तरह के रिसर्च करते रहने चाहिए, समय समय पर बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर शोध करते रहना चाहिए। ठीक है, कोई नई चीज़, नए ज्ञान की खोज करती रहनी चाहिए ताकि वो बच्चों को नई दिशा प्रदान कर सके और उनसे बच्चों को अवगत करा सके। नेक्स्ट है वक्तृत्व शक्ति। तो हिंदी के अध्यापक को एक सफल वक्ता भी होना चाहिए, लेक्चर, भाषण देना, सही है। आप देखते हो जो हिंदी मीडियम के जो स्कूल हैं आप RSS के, जैसे RSS से निकल के नरेंद्र मोदी गए, कितने अच्छे भाषण देते हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे कुछ भी बोले वो लोग मन से सुनते हैं। तो RSS के जो स्कूल हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, वहाँ पर अब हिंदी का प्रचलन हो गया है, खैर, लेकिन उससे पहले हिंदी इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश का हो गया ना, तो वो प्योर हिंदी का ही है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं, अध्यापक होते हैं, कितने स्पष्ट हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी टीचर को भी एक हिंदी वक्ता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अध्ययन के प्रति रुचि और लगन, साहित्य में रुचि और उसके प्रति प्रेम, तो साहित्य के प्रति प्रेम भी होने चाहिए, तरह तरह के साहित्य पढ़ते रहना चाहिए, सही है। आप कह सकते हैं जिस भाषा शिक्षक की साहित्य में रुचि नहीं है, कविता में प्रेम नहीं है, साहित्य की अन्य विधाओं से अनुराग नहीं है, सही है, और वह अपने विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि, प्रेम, अनुराग और लगाव पैदा नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये इनकी गुण हो गए, विशेषताएँ हो गई, बहुत सारी विशेषताएँ, अगर मैं बताने को घंटे लग जाएंगे, क्लास में होते हैं आप बताता मैं, बाकी आप लोग जानते हो। कुशल वाचन क्षमता, पॉइंट आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, कुशल वाचन क्षमता है ना, तो इसमें अध्यापक का एक गुण वाचन क्षमता में भी कुशल होना चाहिए, और इसके द्वारा जो है आदर्श वाचन, वास्तव में आदर्श वाचन ही होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा लेखन में क्षमता। तो भाषा लेखन में क्षमता की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये प्रत्येक टीचर का कर्तव्य होना चाहिए कि जो लेखन कौशल है बच्चे उसमें वो एक्टिव हो, परफेक्ट हो, ये स्किल में बहुत ज़्यादा उसको आना चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी अध्यापक को ना केवल वाचन कौशल में दक्ष होना चाहिए बल्कि लेखन कौशल में भी उसको पारंगत होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव भी होना चाहिए, उसको आना चाहिए वो, और तभी वह विद्यार्थियों में लेखन क्षमता का विकास कर सकता है। और ऐसा नहीं है टीचर ही उल्टा सीधा लिख रहा है, उसका लेखन क्षमता सही नहीं है, कैपेसिटी उसकी ज़्यादा नहीं है, मन ही नहीं करता लिखना, अरे कौन लिख रहा है, बोर्ड पे लिख रहे हैं तो राइटिंग नीचे से लिख रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से लिख रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ ये कहीं ना कहीं कमी है, दोष है। तो इसको भी अगर ये अच्छा गुण है, उसका राइटिंग अच्छा है, आप देखते हो मुख्यतः बहुत अधिकतर लोग जो हिंदी शिक्षक होते हैं उनका राइटिंग अच्छा होता है। ठीक है, तो राइटिंग का, लेखन का बहुत विशेष महत्व पड़ता है बच्चों पर, छात्रों पर। टीचर का राइटिंग गंदा होता है तो बच्चे भी हंसते हैं और वो इफेक्टिव नहीं होता, लोग मन से नहीं पढ़ना चाहते। नेक्स्ट है प्रभावशाली प्रवचन। जब एक हिंदी टीचर प्रवचन देता है, ठीक है, अपने विचार व्यक्त करता है, तो वो प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री के प्रयोग करने की योग्यता, और नेक्स्ट है पाठ्य आगामी क्रियाओं के आयोजन की योग्यता। तो वो शिक्षण सामग्री के प्रयोग कैसे, किस तरीके से टीचिंग एड्स का यूज किया जा रहा है, तो इसमें भी उसको योग्य होना चाहिए कि किस तरीके से करना है, कब करना है। और पाठ्य आगामी क्रियाएं मतलब वही को करिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उनका भी उसमें भी उसको योग्य होना चाहिए, उसमें अच्छा गुण होना चाहिए।
ठीक है। ऐसे अगर हम कर्तव्य की बात करें तो ये हो गया आपका विशेषता या गुण। नेक्स्ट शॉर्ट में बात करते हैं, कर्तव्य की बात करें तो हिंदी अध्यापक के कर्तव्य, विद्यालय में हिंदी अध्यापक का एक विशेष स्थान होता है। वह अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, सीखने के लिए प्रेरणा भी देता है और उनमें जो है अभिरुचि और अभिवृत्ति का भी विकास करता है। तो इनके जो कर्तव्य हैं, जैसे पहला है सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, है ना, मोटिवेशन करना, उनको उनका उत्साहवर्धन करना, उनको बढ़ावा देना, समझाना, इस तरीके से ये इसका उत्तरदायित्व होता है, माना गया है। सीखने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने के लिए कक्षा में उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना, है ना, वातावरण मतलब ऐसा एटमोसफेयर तैयार करना, ऐसा वातावरण तैयार करना कि ताकि बच्चा सीखने के लिए उत्सुक हो, मन करे उसका पढ़ने का। तो इसकी ये जिम्मेदारी है, दायित्व है हिंदी शिक्षक का। नेक्स्ट है बालकों का सामाजिकरण करना, अर्थात उनमें ऐसी इच्छा शक्ति उत्पन्न करना कि वे सामाजिक मूल्यों और उच्च आदर्शों का अनुसरण करें, उसको ग्रहण करें, उसमें मन लगाएं, ठीक है। ऐसे इस तरीके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना, शिक्षण में व्यक्तित्व विभिन्नता का व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। हालांकि इसमें मैं बताता रहता हूँ आपको कई बार, और शिक्षण को रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त और एक लेवल के अनुसार प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, जैसे छात्र हैं, जैसे उनका लेवल के छात्र बैठे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है विभिन्न प्रकार के जो मेथड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनका यूज़ करना क्लास में। तो ये उसके उत्तरदायित्व हैं। शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्वसनीय, वैध, है ना, एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करना, ठीक है, ये इसके दायित्व हो गए। बाकी टीचर के बारे में आपको सभी जानते ही हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।